गुरु माझा मला भेटला। नमस्कार श्री स्वामी समर्थ। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 3,550 फीट की ऊंचाई पर बसा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी यह नाम यहाँ बसी पांच गुफाओं से पड़ा, जिनके अंदर पांच स्वयंभू शिवलिंग हैं। वह इसके अलावा पांच पांडव भी यहाँ अपने अज्ञातवास के दौरान आए थे। पंचमढ़ी के बाइसन लॉज में स्थित विकिनी संग्रहालय में एक्सटिंक्ट हो रही स्पीशीज अर्थात लुप्त हो रही स्पीशीज प्रजाति उन सब की चित्रीकरण किया गया है। कृष्णेचा सुंदर तीर हरी छाया औदुंबर छायेत हा गुरु राहिला छायेत हा। राजेंद्र गिरी उद्यान पूर्व राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद की प्रिय जगह रही थी। वे अनेक बार पंचमढ़ी आए और उन्होंने यहाँ काफ़ी वक्त बिताया, इसलिए उन्हीं के नाम से इस उद्यान का नाम रखा गया। बहुत शांत और सुरम्य दृश्य है। जागृत है स्थान समोर राजेंद्र गिरी पार्क के थोड़े आगे रास्ते पर ही यह पत्थरों की संरचनाएं दिखी। यहाँ एक छोटी गुफाएं भी है। इनकी संरचना देख ऐसा लगता है कई हजार वर्षों पूर्व इस लेवल तक समुद्र की लाटें आया हुआ करती होगी, इसी कारण उन्हें ये आकार मिला है जो बहुत अद्भुत है। कालावधि से समुद्र की लाट नीचे चली गई और पत्थरों को ऐसा आकार मिल गया। हाँ, वटवृक्ष एका खड़का मधून या प्रमाण वाढले। आणि याच्या शेजारी एक मोठी गुहा आहे। असा गुहेचा एरिया आहे। औदुंबरी औदुंबरी नीत राहिला औदुंबरी नीत राहिला। सुंदर शांत प्रसन्न ग्रीन व्हॅली मधला अगदी अप्रतिम दाट झाडी आहे। ही पूर्ण ग्रीन व्हॅली आहे, याला ग्रीन व्हॅली स्पॉट म्हणतात। मुंबईला कसा बॉम्बे सी पॉइंट आहे, असा हा टोटल ग्रीन व्हॅली पॉइंट आहे। पूर्णपणे धूपगड वगैरे सगळं दिसतंय।
भक्ता सवे आनंद ला, भक्ता सवे आनंद ला, गुरु माझा मला भेटला, गुरु माझा मला भेटला। पाहोनिया पाहोनिया दृढ धरिला, पाहोनिया दृढ धरिला, गुरु माझा मला भेटला। यही पर प्राचीन अंबाबाई का एक मंदिर है। मंदिर के गाभारे में संपूर्ण श्रृंगार कर देवी की मूर्ति रखी गई है, जो बहुत सुंदर दिखाई देती है। गुरु माझा मला भेटला, गुरु माझा मला भेटला। मंदिर के परिसर में शांतता बहुत खूबसूरत तरीके से आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पनार पानी नामक शुद्ध एवं प्योर जल की धारा बहती है। वन अधिकारी इथं सांगता है कि हे पनार पानी जो प्रकार आहे हा या नाल्याला नाव पडले पनार पानी, आणि यातले जे पाणी आहे ते एका वेगळ्या विशिष्ट चवीचं आहे, स्वादाचं आहे, त्यामुळे हे पाणी पितात लोक, आणि म्हणून याला पनार पानी म्हटलेलं आहे असे हे अधिकारी सांगतात। यांचे इथं अधिकाऱ्यांचे हे ये है पगारा हनुमान मंदिर। यह वृक्ष कई हजार साल पुराना लगता है। पगारा हनुमान मंदिर की यहाँ एक विचित्र घटना स्वामी जी के साथ हुई। वहाँ एक आदमी आया, उसने मंदिर में दर्शन लिए, वह बाद में प्रदक्षिणा करने के बाद वो स्वामी जी के पास आया, और आश्चर्य यह कि वो पहली दृष्टि से ही स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी, आप मुझे एक परमहंस लगते हैं, मैंने जितनी किताबें पढ़ी है उस हिसाब से आपका आचरण परमहंस सन्यासी जैसा लगता है। फिर उन्होंने पूछा स्वामी जी से कि क्या ये आपकी गाड़ी है? स्वामी जी ने कहा हाँ। फिर उस आदमी ने कहा स्वामी जी से, परंतु परमहंस को गाड़ी की क्या जरूरत? फिर उसने स्वामी जी के मोबाइल की तरफ देखकर कहा, क्या ये आपका मोबाइल है? फिर स्वामी जी ने कहा कि हाँ, ये मेरा ही मोबाइल है। वह बोला, परमहंस को मोबाइल की भी क्या जरूरत? ऐसा करते करते वो स्वामी जी की हर पास रखी हुई चीज के बारे में पूछने लगा। वैसे तो स्वामी जी के पास कुछ नहीं था। ऐसे कुछ देर रुकने के बाद वो आदमी अपनी बाइक से वापस चला गया। परंतु इस घटना से सुमंत आश्रम जी महाराज एक विचार में पड़े कि क्या उन्हें सचमुच इतनी बड़ी गाड़ी की आवश्यकता है? क्या उनको सच में मोबाइल की आवश्यकता है? और यह विचार करते करते उन्हें यह ध्यान में आया कि यदि वो मुझे पहचान सकता है कि मैं परमहंस हूँ, तो वो अवश्य पवन पुत्र हनुमान होंगे, जो मुझे यह पूछने आए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ऐसी घटनाएं स्वामी जी के साथ
बहुत बार होती रहती है। और आखिर पवन पुत्र हनुमान चिरंजीव जो है। इस प्रकार स्वामी जी के इस प्रवास में बहुत लोग उनको मिलते हैं जो न जाने कहाँ से आए होते हैं, कौन होते हैं। ऐसे ही वे पंचमणि के हर एक कोने में गए। उन्होंने पंचमणि में स्थित हर एक छोटी बड़ी जगह की जानकारी ली, खोज की। आगे वे गुप्त महादेव गुफा की ओर गए। स्वामी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं वे उस जगह की संपूर्ण जानकारी लेते हैं। उसे किसने स्थापित किया, क्यों किया, कब किया, उसका उद्देश्य ध्येय क्या था, इस सब की वो बारीकी से जानकारी लेते हैं। उसी कारण इन वीडियोस में इन जगहों के बारे में हम जान सकते हैं। दत्तात्रेया आजी देखिला, दत्तात्रेया आजी देखिला, गुरु माझा मला भेटला, गुरु माझा मला भेटला। इस प्रकार स्वामी जी 1 मई से 22 मई तक पंचमणि की इन गुफाओं, वादियों, पहाड़ों के बीच रहकर उन्होंने बहुत कुछ साधा जिसकी हमें कल्पना भी नहीं। इसके बाद वे हिमाचल की ओर बढ़े। धन्यवाद। स्वामी हो।